हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर। एंड फर्स्टली, वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको डेली न्यू अपडेट्स मिलते रहें मेरी न्यू वीडियोज़ के लिए। सो आज जो वीडियो है वो मेरी एक रिकमेंडेशन से है। जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने मुझे वीडियोस में कमेंट किए हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैम इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उन सभी रिकमेंडेशन को ज़रूर आंसर करूंगी और ट्राई करूंगी कि हर एक क्वेश्चन को मैं आंसर कर सकूँ। आज जो वीडियो है वो उसी एक क्वेरी में से है, जो क्वेरी है जनरल राइटिंग टास्क 1 को लेके, कि लेटर की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको लिखना कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आइल्स है वो दो तरह की है, अकेडमिक आइल्स और जनरल आइल्स। अकेडमिक आइल्स के बारे में तो हमें बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं यूट्यूब पे, जिसके अंदर हमें राइटिंग टास्क, रीडिंग टास्क, लिसनिंग मॉड्यूल, स्पीकिंग के बारे में बताया जाता है। जनरल आइल्स के बारे में हमें कम ही वीडियोस मिलती हैं। तो जनरल आइल्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ वहाँ पे क्या है कि जो अकेडमिक रीडिंग में आपको 5 पैसेज करने होते हैं, सॉरी 3 पैसेज करने होते हैं, जनरल आइल्स में भी आपको 3 ही मिलते हैं। बस उसके अंदर क्या होता है, पहले 2 पैसेजेस में आपके जो सेक्शंस हैं वो 2 हो जाते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पैसेज है तो 2 सेक्शन है, फर्स्ट पैसेज में 8 क्वेश्चंस, सेकंड पैसेज में 8 क्वेश्चंस। जो सेकंड पैसेज है उसके अंदर भी 2 सेक्शन हो जाते हैं, 1 सेक्शन और दूसरा सेक्शन। थर्ड सेक्शन फुल फ्लैश्ड होता है। जैसे कि आपको अकेडमिक रीडिंग में 3 पैसेज मिलते हैं, जनरल को सिर्फ 1 मिलता है। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, जनरल आइल्स की रीडिंग 5 पैसेज हो जाती है। राइटिंग टास्क में जो डिफरेंस है वो सिर्फ टास्क 1 को लेके है। टास्क 1 में जहाँ अकेडमिक्स को कोई भी रिपोर्ट लिखनी है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ चार्ट और द टेबल गिवन टू यू, जनरल आइल्स में स्टूडेंट्स हैव टू राइट अ लेटर। अब वो लेटर, ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये है उसके अंदर कि लेटर 3 टाइप्स की है या 2 टाइप्स की। लेट मी क्लियर दैट कन्फ्यूजन फॉर यू। सो फर्स्टली, जनरल आइल्स में जो राइटिंग टास्क है, राइटिंग टास्क 1 2 टाइप का है। हेयर यू आर राइटिंग अ लेटर, राइट? सो लेटर के अंदर यू ईदर गेट अ फॉर्मल लेटर और एन इनफॉर्मल लेटर। एंड मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, सेमी फॉर्मल टाइप का कोई लेटर नहीं आता है। या फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। इन दोनों का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। सिर्फ आपकी जो वर्डिंग है, जो आपका वे ऑफ ट्रांसफरिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पर्सन है, वो चेंज हो रहा है। फॉर्मल में जो है आप ज़्यादातर लेटर्स किन को लिख रहे हैं, जो फॉर्मल लेटर है वो हायर अथॉरिटीज़ को लिखी जाती है। हायर अथॉरिटीज़ जैसे यहाँ पे आ जाएंगे आपके मैनेजर्स, ओनर्स, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी एंड सो ऑन। ये सारे हायर अथॉरिटी हैं। आपने जब इनको लेटर्स लिखनी है तो वो फॉर्मल लेटर हो जाएगी। कमिंग टू द इनफॉर्मल, ये सिर्फ आप अपनी फैमिली को लिखते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स आर फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स ओनली। लैंग्वेज में फ़र्क है, जो फॉर्मल लेटर है वहाँ पे हमारी लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाती है और रिस्पेक्टफुल हो जाती है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इररिस्पेक्टफुली लिखोगे आप। इनफॉर्मल लेटर में आपकी लैंग्वेज बहुत ही लविंग हो जाती है एंड केयरिंग हो जाती है। जैसे कि आप फॉर्मल लेटर है, इसकी जो बिगनिंग है, बिगनिंग्स जो दोनों लेटर्स की हैं दे आर द सेम। बिगनिंग में फ़र्क नहीं है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, फॉर्मेट में कोई फ़र्क नहीं है। फॉर्मेट में आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, चाहे आपने फॉर्मल लिखनी है या इनफॉर्मल लेटर लिखनी है, बिगनिंग आप हमेशा करोगे डियर से। ईदर अगर यहाँ पे मैनेजर है तो यहाँ लिखोगे डियर सर, डोंट राइट डियर सर और मैडम, ऑलवेज राइट डियर सर हेयर। क्योंकि अगर हम यूनिवर्सली देखें देन इट इज़ द मेल डोमिनेशन, तो वी ऑलवेज प्रेफर राइटिंग अबाउट द मेल। सो नेवर राइट मैडम इन देयर, ओनली राइट सर। डियर सर, यू हैव टू लीव अ लाइन एंड मेक श्योर आप एक मार्जिन से लिख रहे हैं, डू नॉट गो अवे फ्रॉम द मार्जिन। क्योंकि हमें हैबिट है स्कूल टाइम से लेटर लिखने की, जब हमने नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना है हमें गैप छोड़ना है।
आइल्स का फॉर्मेट ये नहीं है, आपने नहीं लाइन छोड़नी है, कोई गैप नहीं छोड़ना है मार्जिन के बाद। सो यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो होगा वहाँ पे हम इंट्रो देंगे अपने बारे में, जैसे कि अगर फॉर्मल लेटर है तो इंट्रो में आ जाएगा माई नेम इज़ जसमीत कौर। फॉर इंस्टेंस मैं लेटर लिख रही हूँ अपने सेक्रेटरी ऑफ माई लोकेलिटी को, तो उसको मैं बोलूँगी माई नेम इज़ जसमीत कौर, आई एम रिसाइडिंग इन दिस लोकेलिटी फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, माई हाउस नंबर इज़ दिस, आई वर्क हेयर, एंड जो भी मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन मिला हुआ है, राइट अ लेटर टू योर सेक्रेटरी सो दैट यू कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू एरिया फॉर द स्पोर्ट्स फॉर द पीपल ऑफ माई एज ग्रुप और योर एज ग्रुप। तो वहाँ पे मैं लिखूँगी आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू और रिक्वेस्ट यू फॉर द ओपनिंग ऑफ अ न्यू स्पोर्ट्स एरिया फॉर द पीपल ऑफ माई एज ग्रुप। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। अब वो चीज़ मैं इंट्रो में लिख रही हूँ। बॉडी पैराग्राफ में जो है, जैसे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, उसके बाद आपको तीन क्वेश्चन फॉलो अप होते हैं, सिमिलर जैसे कि आपको क्यू कार्ड मिल रहा है, एक मेन टॉपिक है, नीचे चार ऑप्शंस हैं, वो चार ऑप्शन क्या हेल्प कर रहे हैं आपको पूरा लेटर अपने क्यू कार्ड को फ्रेम करने के लिए। लेटर में आपको एक मेन क्वेश्चन है, फॉलोड तीन क्वेश्चन है। अब वो तीन क्वेश्चन क्या हेल्प कर रहे हैं आपको, हेल्प कर रहे हैं अपने लेटर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, बट आपको अपने मेन क्वेश्चन से नहीं इधर उधर होना है, उसको पकड़ के रखना है, उसी को एक्सप्लेन करना है, टेकिंग दी हेल्प ऑफ द क्वेश्चन गिवन अंडर दैट मेन क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? फिर हमने क्या करना है, ये लाइन छोड़ेंगे, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ लाइन छोड़ी, थर्ड बॉडी पैराग्राफ, और यहाँ पर हम लिखते हैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट। Then you write yours sincerely, yeah, lovingly, and then your name here. Sincerely हम formal में लिखते हैं, lovingly हम informal में लिखते हैं। ये हमारा letter का format है। इंट्रो मैंने आपको समझाई formal letter की, कि हमने अपने, अगर किसी को लिख रहे हैं तो अपने बारे में पहले बताते हैं। अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, किसी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, हम वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो हु वी आर, वेयर डू वी बिलोंग टू, व्हाट डू वी डू, वो उनको सब पता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम अपने नॉर्मली अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, तो वी आस्क अबाउट देयर हेल्थ, हाउ दे आर दे कीपिंग वेल और नॉट, येस। अब यहाँ पर क्या है, इट्स वन वे कन्वर्जेशन, वी आर नॉट गेटिंग एन आंसर फ्रॉम देम ऑन द इमीडिएट स्पॉट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। देर आर मैनी मोर स्टेटमेंट्स टू ओपन अप योर लेटर, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि इन अगर लेटर लिख रहे हैं तो क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो कैबलरी यूज़ कर सकते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। तो इनफॉर्मल लेटर की ओपनिंग में हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, हम अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देंगे अपनी फॉर्मल लेटर में। और ये है हमारा सारा फॉर्मेट राइटिंग ऑफ अ लेटर। नाउ इसके अंदर हमने ध्यान ये रखना है कि मिनिमम जो है वर्ड लिमिट वो 150 होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप 200 लिख सकते हो, बट 150 से कम नहीं लिखना है आपने। इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई करनी है एग्जैक्ट, ग्रामेटिकल टूल्स के जो चेकिंग क्राइटेरिया है वो सेम है, इसमें भी आपकी ग्रामर चेक हो रही है, आपकी वोकैबलरी चेक हो रही है, कोहेरेंस एंड कोहेजन चेक हो रही है, TATR चेक हो रहा है, सब चेकिंग क्राइटेरिया सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एकेडमिक को बार अपने रिपोर्ट लिखनी होती है और जनरल को एक लेटर लिखनी होती है। डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ कि जनरल में तीन तरह के लेटर होते हैं, जनरल में सिर्फ दो टाइप के लेटर हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इवन फॉर्मेट जो है वो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मेट में आपने कोई एड्रेस मेंशन नहीं करना है, दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइल्स लेटर। द रिक्वायरमेंट इज सिंपल, स्टार्ट विद डियर सर अगर फॉर्मल है, डियर एंड नेम ऑफ द फ्रेंड या पर्सन अगर वो एक इनफॉर्मल लेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। मैंने अपनी तरफ से 100% ट्राई किया है कि आपकी एक एक क्वेरी जो है वो मैं आंसर कर पाऊँ। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेरी है लेटर को लेके, देन डोंट मिस आउट ऑन सेंडिंग मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।
आप अपनी वीडियोस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपकी हर एक क्वेरी को मैं आंसर कर सकूं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।